नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, नीट पेपर लीक परीक्षा के मामले में बिहार में ईओयू का जांच चल रहा है। ईओयू ने अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ऐसे में एक छात्र के बयान पर जो है वो बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल तेजस्वी यादव के करीबी उनके पीएस रह चुके प्रीतम यादव का भी नाम नीट पेपर लीक परीक्षा के मामले में बीजेपी ने सामने लाया है और ये आरोप लगाया है कि एनएचआई के गेस्ट हाउस को प्रीतम यादव ने ही बुक कराया। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव का भी नाम अब बीजेपी के नेता इस नीट पेपर परीक्षा लीक से जोड़ रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बकायदा इस पूरे मामले पर जानकारी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, जरा वो सुनी। कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430649924 पर एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर 4 मई को सुबह 8:49 में प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 4 मई को सुबह 8:49 प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 वही नंबर से प्रदीप कुमार के मोबाइल पर कॉल कर सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे के बुकिंग के लिए स्मारित किया गया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा एनएचआई के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। अब ये दोनों का डिटेल भी मैं दे देता हूं। ये यहां पर एक्जीक्यूटिव ऑफिसर से ऑफिस एक्जीक्यूटिव है ये। अब ये फोन जो आया है ये है उनका कॉल का, जो कॉल आया है डिटेल। ये कॉल का डिटेल है और दूसरे दिन का भी डिटेल। दोनों दिन का डिटेल है, ये डिटेल है उनका। पहला दिन आया है 1 मई को 21:07 पर। तो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे। विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी सहित प्रीतम यादव और तेजस्वी यादव पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। नीट पेपर लीक पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना। बिहार में ईओयू ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि दिल्ली में बैठे नेता शिक्षा मंत्री ये मानने को तैयार नहीं कि देश में नीट का पेपर लीक हुआ। बिहार में बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पेपर लीक तो स्वीकारते हैं, तेजस्वी यादव का नाम भी इस पूरे मामले से जोड़ रहे हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।